हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपको हम एकदम नई रेसिपी बताने जा रहे हैं, अंगूर की बर्फी या अंगूर की जेली आप इसको कह सकते हैं। मैंने आधा किलो अंगूर लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और इसमें से अब हम अंगूर को छाट के अलग कर लेंगे, मिक्सी के जार में डाल लेंगे। जो ख़राब अंगूर हैं उसको कतई ना डालें। और मिक्सी के जार में जब इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर हम इसको छान लेंगे छन्नी की सहायता से। देखिए, इस तरह से हम छन्नी की सहायता से इसको छान लेंगे और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको अलग हटा देंगे। अब आप देखिए कि नीचे ये किस तरह से ये लिक्विड आया है। अब हमें मापने का कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप कप से भी नाप सकते हैं। लगभग 3 कप के बराबर ये देखिए अंगूर का रस आया है। अब हम इसमें जो कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे वो 1 बड़ा चम्मच, आप देख रहे होंगे कि ये सर्विंग स्पून है, इसको हमने ऐड किया है। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जिसमें इसमें लम्स ना पड़े। मिक्स करने के बाद फिर हमको गैस पे चढ़ाएंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको चढ़ाएंगे और कंटिन्यूस इसको चलाते रहेंगे। और जब थोड़ा सा टाइम हो जाए, लगभग 5 से 10 मिनट, तो आप इसमें 2 चम्मच देसी घी का डाल दीजिए जिसमें ये नीचे की तरफ पकड़ता नहीं है। और आप फ्लेम को ज़्यादा बढ़ाइएगा नहीं। और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए, क्योंकि यह अंगूर की बर्फी है तो ये थोड़ी सी खट्टी तो होगी, तो चीनी अपने स्वाद अनुसार डालिए। और इसमें कलर लाने के लिए मैंने हरा कलर यूज़ किया है, फूड कलर आप डालिए। और देखिए, जब लगभग दिखने में इस तरह से हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब मैंने एक ग्लास का बोल ऐसे इस तरह का लिया था। अगर आपके पास ग्लास का अवेलेबल ना हो तो आप स्टील का भी कोई बर्तन चौकोर हो वो ले सकते हैं। उसमें नीचे देसी घी लगाएं और उसमें आप अपने पेस्ट को फैला दें और 4-5 घंटे फ्रिज में रख दें। और देखिए, निकाल के बर्फी के स्टाइल में कट करके कोकोनट बूरा लगा के इसको सर्व करिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।